हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जिनका जो हाई स्कूल वाला रंजन एपिसोड है तो वो फाइनली कल पेंगतेन टीवी पर अपलोड हो चुका है। एंड आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए जिनके रंजन शो के सेकंड एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। तो दोस्तों, सच में आज का ये रंजन एपिसोड बहुत ही ज़्यादा फनी है। जिन के उसके स्कूल के बच्चों के साथ मोमेंट्स बहुत ही ज़्यादा क्यूट और फनी है। तो आप सभी इसे हिंदी में देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना। तो जिन अपने बोसांग हाई स्कूल आते हैं, जिन येलो एम्ब्रेला और स्कूल यूनिफॉर्म में बड़े ही हैंडसम लग रहे होते हैं, और फिर स्टाफ जिनसे पूछते हैं कि तुम्हें पता है कि हम कहाँ पर हैं, तो जिन कहता है कि हाँ, हम हमेशा अजीब जगह पर ही आते हैं। और फिर जिन बताते हैं कि ये मेरा हाई स्कूल है, मैं यहाँ पर 14 साल पहले पढ़ता था। फिर जिन के शानदार एंट्री दिखाई जाती है, जिसमें जिन सभी के लव एट फर्स्ट साइट जैसे दिख रहे होते हैं। जिनको यहाँ पता चलता है कि वो आज बच्चों के साथ एज अ फ्रेश स्टूडेंट उन्हें ज्वाइन करेंगे। तो इस पर जिन पूछते हैं कि क्या मुझे क्लास में भी जाना पड़ेगा। और यहाँ जिनको बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है जो जिनका नाम पुकार रहे होते हैं, तो जिन कहते हैं कि उन्होंने मुझे पहचान लिया, ये मुझे हाय कर रहे थे और मेरे लिए क्रेजी हो रहे थे। फिर जिन अपनी स्कूल लाइफ से रिलेटेड हमें बताते हैं कि मैं वीक स्टूडेंट था, एक नर्ड और लूजर, पर मैंने सोचा नहीं था कि मैं वापस अपने स्कूल सुपरस्टार बनकर आऊँगा। फिर बच्चों से अपने लिए शाउटिंग सुनते हुए जिन स्कूल के अंदर आते हैं, और फिर जिन अपने स्कूल के बारे में बता रहे होते हैं कि कौन सा ऑफिस कहाँ पर है, एंड देन जिन बच्चों से मिलते हैं जो कि उसे आई लव यू बोल रहे होते हैं। जिन कहते हैं कि अब तो स्कूल की कैंटीन की लोकेशन भी बदल गई है, और जिन डाउनस्टेयर कैंटीन में खाने जाते हैं। जिन यहाँ पर अपने टाइम पर जो स्कूल में खाते थे उसे ही वो यहाँ पर ऑर्डर करता है, जिसमें से कुछ चीज़ें अब उसके न्यू वेरिएंट में यहाँ आ चुकी होती है, जिस पर जिन कहते हैं कि मैं बहुत एशियन पुराना हूँ। फिर स्कूल टाइम की चीज़ें ऑर्डर करने के बाद जिन स्टाफ से कहते हैं कि मुझे मनी मिल सकती है, तो वहाँ का ओनर कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अभी यहीं पे ग्रेजुएट हुआ हूँ, तो ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ट्रीट है। तो जिन कहता है कि नहीं, मैं रिच हूँ, मैं ही पे करूँगा। और सच में यहाँ पर जिन अपने ब्लैक कार्ड से स्कूल कैंटीन का बिल पे करने जा रहे होते हैं, जिस पर कैंटीन का ओनर मना कर देता है। तो जिन कहता है कि ठीक है, ये 1000 won का पहले मिलता था, तो मैं इसे ले रहा हूँ, पर इसका अब प्राइस कितना है। तो जिन को यहाँ पता चलता है कि 2500 Korean won, जिसे सुनकर जिन शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरे टाइम पर तो ये 1000 won का ही सिर्फ मिलता था। फिर जिन बो कर करके थैंक यू कैंटीन ओनर को बोलते हैं फ्री ट्रीट के लिए, और फिर जिन माइक्रोवेव में अपना फूड कुक कर रहे होते हैं। और यहाँ जिन बताते हैं कि मेरे टाइम में हमें सिर्फ 10 सेकेंड ही मिलते थे फूड कुक करने के लिए, क्योंकि तब यहाँ पर एक या दो माइक्रोवेव ही थे, पर अब वर्ल्ड चेंज हो गया है और यहाँ ज़्यादा माइक्रोवेव आ गए हैं, जिसकी वजह से अब हमें 1 मिनट मिलते हैं। फिर जिन कहते हैं कि मेरे टीचर भी शायद अभी भी यहाँ होंगे, क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल है। और तभी यहाँ पर जिनके एक टीचर आते हैं, जिन्हें जिन पहचान लेते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ आ सकते हो। फिर इसे तुरंत होश आता है कि मैं उनसे ऐसा नहीं कह सकता हूँ, और जिन कहते हैं कि सर रुको, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। और दोस्तों, ये ना हमारे जिन के फर्स्ट क्लास के क्लास टीचर सर हैं। जिन इनसे इनका हालचाल वगैरह पूछते हैं, और जिन बाकी टीचर्स के बारे में इनसे पूछते हैं कि अभी भी इस स्कूल में यहाँ पर कौन कौन से टीचर्स हैं, और जिनका हाथ पकड़कर ये सब इनसे पूछ रहे होते हैं, जिस पर स्टाफ कहते हैं कि अब तुम इनका हाथ छोड़ सकते हो, ये वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ के। तो जिन तुरंत इनसे पूछते हैं कि जब मैं स्टूडेंट था, मैं सोचता था कि आखिरकार वाइस प्रेसिडेंट करते क्या। फिर जिन्हें बोलकर हंसते हैं और कहते हैं कि प्रिंसिपल तो हमें स्पीच देते थे, पर मैं सोचता रहता था कि आखिरकार वाइस प्रेसिडेंट कुछ करते भी या नहीं, क्योंकि मैंने तो उन्हें कभी भी कुछ करते नहीं देखा था। तो सर बताते हैं कि मैं स्कूल के सभी पब्लिक लेटर्स, मतलब कि बाहर से कनेक्शन, इवेंट्स, ये सब देखता हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ। तो जिन कहते हैं कि अच्छा, तो आप एक्सटीरियर वर्क देखते हो। सर हाँ, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। फिर जिन अपना लंच करने वापस आ जाते हैं, और सर के जाने से पहले उन्हें थैंक यू बोलते हैं। फिर जिन एक क्लास में एंट्री लेते हैं, जहाँ पर बच्चे जिनको देखकर जोर जोर से क्लैपिंग करते हैं, और फिर जिन सर के कहने पर फ्रंट में आके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मैं किम सॉक जिन हूँ, मैं यहाँ से 14 साल पहले ग्रेजुएट हुआ था, मैं थोड़ा सा ओल्ड हूँ और मैं 33 साल का हूँ। फिर बच्चे क्लैपिंग करते हैं, और इसके बाद जिन यहाँ अचानक से पूछते हैं कि यहाँ पर कौन अच्छा है फाइटिंग करने में, तो वो लड़का हाथ उठाकर
कहता है कि मैं तो जिन इस हट्टे कट्टे लड़के से मिलते हैं जो कि उसके पीछे ही बैठा होता है। फिर जिन अपनी सीट पर जाते हैं और जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है जिन पूछते हैं कि ये ब्रेक टाइम है ना, तो टीचर कहते हैं कि नहीं ये क्लास का टाइम है, जिन सॉरी। फिर बच्चे बताते हैं कि वो सिंगिंग करके अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, तो जिन पूछते हैं कि हर क्लास में कोई एक ऐसा बच्चा ज़रूर होता है जो सिंगिंग में बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ पर वो कौन सा बच्चा है? बच्चे ग्वानवू, जिन अगर तुम अच्छे हो तो गाओ, मैं तुम्हारे बारे में अपनी एजेंसी को बताऊंगा। जिसे सुनकर बच्चे वाव वाव करने लगते हैं और यहाँ के टीचर मौके पे चौका मारते हुए कहते हैं कि मैं गाऊंगा, और वो बच्चों का कोई सॉन्ग गाने लगते हैं जिस पर जिन सिर्फ क्लैप ही करते हैं। फिर कोरियन टीचिंग की क्लास स्टार्ट होती है और जिन बच्चों के साथ क्लास कर रहे होते हैं, आधी घंटे बाद जब क्लास ओवर होती है और लंच ब्रेक आ जाता है, तो यहाँ पर जिन बच्चों से बात कर रहे होते हैं, जिन मेरे स्कूल की ड्रेस अभी भी मेरे घर पर है। बच्चे सच में वो चेक वाली पैंट भी? जिन हाँ सभी कुछ है, उससे पहले स्कूल की ड्रेस भी। बच्चे क्या मैं ये कैमरा ले लूँ? जिन ये मेरा नहीं है। जिन चलो आर्म रेसलिंग करते हैं। जिन फर्स्ट बच्चे से कहते हैं कि तुम ताकत क्यों नहीं लगा रहे हो। फिर जिन उस बच्चे को गेम खेलने की टेक्निक दिखाते हैं और उसके जीतते वक्त उसे कुछ ही सेकंड में हरा देते हैं। देन वो हट्टा कट्टा स्ट्रॉन्ग बच्चा आता है जिस पर जिन कहते हैं कि मैं इसे कैसे हरा सकता हूँ, मैं 33 साल का होकर एक हाई स्कूल बच्चे से नहीं हार सकता हूँ, बच्चा मैं वीक हूँ। जिस पर जिन कहते हैं कि देखो मेरी तो मसल्स भी नहीं है, अगर यहाँ जंगो को होता ना तो वो तुम्हें तुरंत हरा देता। फिर इनका गेम स्टार्ट होता है और जिन हारने के डर से तुरंत गेम खेलने से मना कर देते हैं, एंड देन आखिरकार इनका मैच स्टार्ट होता है जहाँ पर जिन उस स्ट्रॉन्ग बच्चे को हरा देते हैं क्योंकि उसने जिन के लिए कोशिश ही नहीं करी होती है। फिर नेक्स्ट बच्चा, अब मैं आ रहा हूँ, तुम नहीं तुम बड़े हो। बच्चा मैं? जिन गुस्से में, तुम्हें तो मैं तुरंत हरा दूंगा, आओ मसल्स कंपेयर करो। तुम आओ? नहीं तुम नहीं, तुम्हारी बोन थिक है, तुम जाओ। फ्रेंड तुम आओ। और जिन इसे हल्का समझकर इससे आर्म रेसलिंग कर रहे होते हैं, पर ये बच्चा जिन के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग गेम खेल रहा होता है, जिस पर जिन उस बच्चे का ध्यान भटकाकर उसे कहते हैं कि ये कैमरा एक्सपेंसिव है और उसे हरा देती हैं। फिर जिन इन सभी बच्चों के साथ कैंटीन लंच करने जाती हैं और जिन यहाँ पर अपने ग्रेजुएट ईयर की बातें इन बच्चों से कर रही होती हैं। यहाँ जिन को ये भी पता चलता है कि उसके पास उस टाइम स्मार्टफोन नहीं था, पर अब बच्चों के पास स्कूल में ही स्मार्टफोन होते हैं। फिर इसके बाद बच्चे जिन से पूछते हैं कि वो फिजिकल एजुकेशन की क्लास में क्या करते थे। जिन हम कैच खेलते थे। बच्चे ये ट्रेंड था ना उस टाइम? जिन नहीं, इसमें मेरे अलावा सिर्फ 3 और 4 बच्चे और थे, बाकी सब सॉकर खेलते थे। बच्चे क्या आप जूडो भी खेलते थे? जिन हाँ, तब सिर्फ हमें फॉलिंग टेक्निक सिखाई गई थी, क्या ये सब अभी भी है? बच्चे नहीं, हमें और भी टेक्निक सिखाई गई है। जिन हमें तो बस ऐसे कर करके गिरना ही सिखाया गया था जूडो में। फिर लंच और बातें करने के बाद ये सभी फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आती है और यहाँ पर जिन की उस क्लास के सभी बच्चों के साथ मैच होने वाला होता है। मैच के सभी राउंड में जिन को इन सभी 26 बच्चों को हराना होगा और इनके बीच 5 राउंड्स होंगे, जिसमें जिन और क्लास के बच्चों में जो भी पहले 3 राउंड को जीत जाएगा तो उसे बहुत ही बड़ा गिफ्ट मिलेगा। तो फर्स्ट राउंड प्लैंक और पुशअप फेस ऑफ होता है। बच्चे हमें आइडल से कैसे जीत सकते हैं? डांस की वजह से आइडल की स्ट्रेंथ अच्छी होती है। जिन हे चिल्ड्रन ज़्यादा अच्छे होते हैं, बच्चे जल्दी थकते नहीं। फिर फर्स्ट राउंड शुरू होता है प्लैंक फेस ऑफ का। जिन मैं थक गया, मैं हार मानना चाहता हूँ, मेरी बॉडी शेक कर रही है, मैं क्या करूँ? बच्चे एलाइट सोल्जर फाइटिंग। और तभी यहाँ एक बच्चा एलिमिनेट होता है और धीरे धीरे करके बाकी बच्चे भी हारने लगते हैं। जिन तुम सभी जाओ, मैं तुम्हें पिज्ज़ा खिलाऊंगा। जिन शाउट करते हैं जाओ जाओ, और यहाँ जिन हार मान जाते हैं 1 मिनट और 50 सेकंड के अंदर ही। फिर पुशअप फेस ऑफ स्टार्ट होती है जहाँ एक एक कर कर के बच्चे हारने लगते हैं। जिन थक कर फिर से बच्चों को कहते हैं कि एवरीवन जाओ, और फिर यहाँ पर जिनके अलावा सिर्फ 4 ही बच्चे रह जाते हैं, पर 36 पुशअप में जिन यहाँ पर फिर से हार जाते हैं। और फाइनली इस फर्स्ट राउंड में बच्चे जिन को हरा कर इस फर्स्ट राउंड को जीत जाते हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड के नेक्स्ट फनी 4 राउंड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन आप सबको फर्स्ट पार्ट कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।